तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू और देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये जो फॉर्म है वो डिवीजन लेमा की फॉर्म है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और इन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि वेयर क्यू इज सम इंटीजर, और क्यू जो यहाँ पर आ रहा है वो कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास जो होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे, अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे पास 15 ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 17, ठीक है, और 7, 9, 5 है ना, ये सब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी हो गया इसमें, ठीक है। और अगर बड़े नंबर से 15 के ऊपर 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमें इस फॉर्म में मिलेगा या फिर इस फॉर्म में मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, शो करना है। तो पहले देखते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं। जैसे हमने 19 ले लिया, 19 इक्वल टू, ठीक है, 6q+, और यहाँ कोई रिमाइंडर आएगा। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर ये जो डिवीजन लेमा वाली जो फॉर्म है, डिवीजन लेमा है, तो ये जो चीज़ होती है वो होती है डिविडेंड। ये यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर बी क्यू होता है, तो बी की जगह इन्होंने फिक्स कर दी है 6 के साथ, तो ये हमारा होता है डिवाइज़र। अच्छा, यहाँ पर हमारा आता है रिमाइंडर, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। क्यू इन्होंने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो ये जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी मतलब कुछ ये होगा, डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड करेगा, 6 3 18 बचेगा हमारे पास 1। तो Q की जगह पर, यहाँ Q की जगह पर क्या आ रहा है, 3, Q की जगह पर आ रहा है यहाँ पर 3, और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल 6q+1 हो गया, 6q+1 की फॉर्म हो गई है ना, Q की जगह पर 3 आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल करके और देखते हैं, जैसे कि है हमारे पास 15, तो 15 भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, कुछ 6q+ यहाँ पर कोई रिमाइंडर होगा, है ना। तो अब ये डिवाइज़र है आपका, तो डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड करेगा, 6 2 12 बचेगा यहाँ पर आपके पास 3। तो देखिए Q की जगह पर तो 2 आ जाएगा और R की जगह पर आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। तो और पॉजिटिव इंटीजर को अब इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो उन्होंने यही तो कहा है कि या तो ये फॉर्म आएगी या ये आएगी या फिर ये फॉर्म आएगी, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म किसी पॉजिटिव इंटीजर की हो सकती है ना। तो यही तो सवाल है, अब इसे आपको शो करना है। तो हम इसको शो किस तरह से करेंगे ये हमें देखना है। यहाँ से क्लियर हो गई बात कि हाँ और पॉजिटिव इंटीजर को हम जो है इस फॉर्म में, यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है, फिर ये 5 वाला भी आ जाएगा, देखिए 21 एक और पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 6q+ यहाँ पर रिमाइंडर आएगा कुछ, तो ये डिवाइज़र इसको डिवाइड करके देखते हैं, 6 3 18, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 11 में से 8 माइनस हुआ यहाँ पर कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, ये वाली सिचुएशन बनेगी। तो एक और ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, 23 भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6q+r, है ना। अब ये 6 डिवाइड करेगा इस 23 को, तो 6 3 18, 6 4 24, तो 6 3 18, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13, 13 में से 8 गया तो यहाँ पर बचेगा देखिए 5। अब रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर की जगह 5 आ गया और Q की जगह पर 3 आ जाएगा, है ना। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है। तो तीनों फॉर्म के एग्जांपल भी यहाँ पर करके दिखाया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये समझाने के लिए था कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर। एंड बी इक्वल टू 6, क्योंकि हमारी जो इक्विलिट डिवीज़न लेमा जो है, इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा जो है वो ये है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, तो हम ये जो हमारा डिविडेंड है उसे हमने ए ही मान लिया है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑड होगा, है ना। तो चलिए, तो इक्विलिट डिवीज़न लेमा ये होगा ही। ठीक है, और यहाँ पर हम जो इक्विलिट डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे और इसे जो है प्रूव करेंगे कि ये बात ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर अब पहले वाला जो हमारा है 6q+1, इसके लिए हम देखते हैं 6q+1 को पहले प्रूफ करेंगे कि ये हमारा जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इस ये चीज़ आपको कोई ना कोई एक नंबर देगी ना, इसको हम डिविडेंड जो होगा, एक डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, जो हमारे डिवाइजर है वो 6 है, तो पॉसिबल आर जो हैं वो 6 से छोटे रहेंगे। यानी कि मतलब अगर हम ये लिखें यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल आर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये हमारा पॉसिबल आर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जब हमने जो है ये डिग्री डिवीज़न लेमा पढ़ी तो ये भी बात बताई गई कि जो है जैसे कि जो डिवाइज़र है रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होता है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे रिमाइंडर जो हमसे पूछे गए हैं वो एक तो 1 रिमाइंडर और एक 3 रिमाइंडर और एक 5 रिमाइंडर पर पूछा गया है। इसका मतलब 2 रिमाइंडर अगर 2 होता है या 4 होता है तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। ठीक, ऑड नहीं होगा, तो हमने ये लिखा 6q+1। अच्छा, अब इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2 3q+3q+1। ठीक है, 2 3 6, 2 3 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3q है यहाँ पर, ये आपको कोई एक नंबर देगा, अब वो नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी मतलब ये जो वैल्यू है 2 × 3q ये मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 × 3q इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है। और देखिए जितने भी 2 के मल्टीपल होते हैं वो सब इवन नंबर देते हैं आपको, है ना, जितने भी 2 के मल्टीपल हैं। 2 के मल्टीपल अगर हम देखें तो देखिए 2 के मल्टीपल, इसको हम रफ कर लेते हैं, टू के मल्टीपल का मतलब क्या कि 2 के टेबल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, ठीक है वो सॉरी 2 5 भी लिख दो, 2 5 10 और 2 6 12। तो ये जो नंबर आ रहे हैं आपके, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, और 2 के कोई भी मल्टीपल आप लेंगे तो 2 का मल्टीपल जो होता है वो एक इवन होता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसका मतलब 2 × 3q इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये आपको कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर दे देगा। ठीक है, अब ये इवन 2 × 3q पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो किसी भी इवन नंबर में, जैसे कोई हमारा इवन नंबर है 2, ठीक है, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऑड बन गया, ये इवन था, इवन प्लस 1 क्या बना, ऑड। जैसे एक इवन नंबर है 4 में 1 जोड़ें क्या बनेगा, 5, ये ऑड है। ठीक है, जैसे 16 में 1 जोड़ने तो क्या बन जाएगा, 17 ऑड। तो जब भी इवन नंबर में 1 को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर बन जाता है। तो अगर इस चीज़ में, यानी कि मतलब 2 × 3q ये प्रूव हो गया कि ये इवन है, अब इसमें हम अगर 1 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, इवन प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा आंसर, ऑड, है ना, ये आपको देगा कोई
पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि एक इवन नंबर प्लस वन तो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वो एक ऑड इंटीजर। और पॉजिटिव की तो बात चल ही रही है कि पॉजिटिव होगा, इधर से यहाँ से रफ करते हैं। अच्छा ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इंटीजर प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, सही है बात। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी मतलब ए इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी तो ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, यानी कि मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि सिक्स क्यू प्लस वन इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बहुत आराम से और धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझाते हुए ये प्रूव कर दिया कि ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब इसका जो सेकेंड हमसे पूछा है तो अब इसके लिए करके देखते हैं, सिक्स क्यू प्लस थ्री, ये कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा, उसे हमने मान रखा है ए, ये एक इंटीजर हमने मान रखा है सिक्स क्यू प्लस थ्री, है ना। तो अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है, और फिर प्लस वन। देखिए अब इसे सॉल्व करो, आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो जरा, बस खाली समझाने के लिए। आप सोच रहे हो ये कैसे हो गया, ये यही चीज़ लिखी है जो ऊपर है, इसे पहले तो टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, टू थ्री जो सिक्स क्यू, फिर प्लस टू अंदर टू, ये ब्रेकेट बनता फिर प्लस वन। अब ब्रेकेट को ओपन करें, सिक्स क्यू प्लस टू प्लस वन, तो ये क्या हो गया, सिक्स क्यू प्लस टू, टू एंड वन कितना हो गया, थ्री, ठीक है, आ गया भाई, यही वाली चीज़ आ गई, सही है। तो इसको हम ये सही लिख सकते हैं, टू ए इक्वल टू टू थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन। ये हमने इसलिए ये वाली चीज़ इसलिए बताइए कि कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ मतलब ये वाला पार्ट ये ऐसे कैसे बन गया, है ना। तो इसकी ये दे दिया, इसको नोट नहीं करना है, जब आप फेयर करेंगे इसे तो इसे नहीं दिखाना है, चीज़ें डायरेक्टली यही दिखाएंगे। तो देखिए ये क्यू एक इंटीजर है, तो क्यू की जगह पे कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, वो सॉल्व होके आपको ये कोई ना कोई एक नंबर देगा, चाहे वो इवन नंबर हो, ये वाले पार्ट में है ना, ये वाले पार्ट में चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये फिर नंबर टू से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन गया, टू का मल्टीपल, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टू थ्री क्यू प्लस वन इज मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, ठीक है। अब ये टू का मल्टीपल है और इसमें वन जोड़ रहा है तो इवन भी होगा, ये टू का मल्टीपल है तो इवन भी होगा, तो टू थ्री क्यू प्लस वन इज इवन नंबर। यहाँ पर हम यहाँ पर कहें पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इसमें अगर हम वन जोड़ दें तो हम यहाँ डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि पहले वाले केस में हम बता चुके हैं प्लस वन, ठीक है, ये इवन हो गया, इवन में वन जोड़ा तो ये आपको क्या देगा, इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बिल्कुल सही तरीका है इसको ये प्रूव करने का। तो यहाँ से ये बात भी प्रूफ हो गई कि तो अब यहाँ पर हमने, क्योंकि हमने इसे तोड़ के लिखा था, अब इसे हम फिर से वापस इसकी जो ओरिजिनल जो शक्ल थी उसी ओरिजिनल फेस जो था इसका उसी में ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा टू थ्री जो सिक्स क्यू प्लस थ्री इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और इसको ऐसे करके लिखें हेंस, है ना, हेंस टू सॉरी टू सिक्स क्यू प्लस थ्री इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये बात प्रूव हो गई कि ये भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही है, ठीक है। तो पहले वाले में सिक्स क्यू प्लस वन को हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूव करा, दूसरे वाले केस में हमने सिक्स क्यू प्लस थ्री को पॉजिटिव इंटीजर जो है प्रूव कर दिया। अब हम सिक्स क्यू प्लस फाइव को पॉजिटिव इंटीजर प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हमें इधर का पार्ट थोड़ा रफ करना पड़ेगा,
तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से फॉर 6q+5 है ना, तो हम मान लेते हैं a इक्वल टू 6q+5। अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 × 3q + 2 + 1 है ना। देखिए ये बिल्कुल सेम इसी तरह से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे हुआ ये। तो देखिए 2 3 का कितना हो जाएगा 6q, 2 2 का कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस 1, 4 × 1 6q + 5, ये वही चीज़ आ गई लौट के ये वाली है ना। तो अब ये वाला कोई भी आप क्योंकि वो एक समय कोई इंटीजर है, ये आपको कोई ना कोई नंबर देगा, अब वो नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 × 3q + 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो ये 2 का मल्टीपल है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 3q + 2 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया। अब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो इसमें अगर आप 1 जोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 3q + 2 फिर +1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बात क्लियर हो गई कि हाँ ये ऑड हो जाएगा क्योंकि इवन प्लस वन हमें हमेशा जो है क्या होता है ऑड होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर ये ऑड है तो यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि हेंस 6q, इसको सॉल्व करके लिखेंगे 6q+5 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का था, यही सवाल इसने पूछा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो 6q+1 की हमने दिखाई पहले, फिर 6q+3 को हमने यहाँ दिखाया, फिर 6q+5 को हमने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें जो है प्रूव हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और अब करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 660 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो आर्मी की एक टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर हैं, ठीक है, और ये जो मेंबर है वो आर्मी में बैंड आगे बसता हुआ जाता है, परेड होती है, तो उसमें जो बैंड में जो मेंबर है वो 32 हैं और उसके पीछे जो सैनिक वाला जो ग्रुप है उसमें 616 मेंबर हैं। इन अ परेड, एक परेड में ये हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, परेड हो गई। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, अभी मार्च करेंगे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये 616 जो हमारे जो सैनिक हैं तो वो जो है लाइन से खड़े हैं, तो उन्होंने अपने कुछ कॉलम्स में लाइन बना दी, ठीक है, वो कितनी लाइनें बनाएंगे 616 के हिसाब से, हर लाइन में बराबर बराबर वो है, ठीक है, और इस जितनी लाइनें उन्होंने बनाई हैं उसी हिसाब से फिर बैंड वाला हर लाइन में कुछ कुछ बैंड वाले भी खड़े हुए हैं, जैसे कि ये हमारे हो गए, ये जैसे कि 1 2 3 4 लोग इसमें खड़े हो गए, 1 2 3 4 इसमें खड़े हो गए, 1 2 3 4 इसमें खड़े हो गए, है ना। अब ये आपके बैंड वाले एक एक खड़ा हो गया इस लाइन में, तो इस तरह से खड़े हो गए, ये एक लाइन में 4 हैं तो दूसरी में भी 4 है, तीसरी में भी 4 है, ये एक लाइन में 1 है, दूसरी में भी 1 है, तीसरी में भी, थर्ड में भी 1 है, तो बराबर बराबर, तो कितने कॉलम्स ऐसे बनेंगे कि वो जो जितने भी सैनिक हैं वो बराबर बराबर आ जाएँ और फिर बैंड वाले भी उसमें इक्वल ही आए, ठीक है, हर लाइन में, ठीक है। इनमें आपस में जो है डिफरेंस हो सकता है क्योंकि बैंड वाले कम हैं और ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक हमारी लाइन है जिसमें हमारे जो सैनिक खड़े हैं वो 10 हैं और उसमें बैंड वाले 2 खड़े हो गए मान लीजिए, और एक दूसरी लाइन में उसमें सैनिक हमारे जो है 20 खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है, जिन एक लाइन में जितने सैनिक खड़े हैं दूसरी में भी उतने ही सैनिक आएंगे, तीसरी में भी उतने सैनिक आएंगे, इसी तरीके से हर लाइन में बैंड वाले भी इक्वल इक्वल रहेंगे हर कॉलम में, तो ये पूछा है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे नंबर हम निकालें जो 32 और 616, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों का फैक्टर हो और बड़े से बड़ा नंबर हो जाए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, HCF निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो हमें क्लियरली पता है
HCF 616 है इतना, और 32 will gives the maximum number of column which they can match. ठीक है, तो सीधे सीधे इन दोनों का HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के लिए यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, आप इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 616 ग्रेटर देन 32. ठीक है, अब इक्लिप्स डिवीजन अप्लाई, बी अप्लाई इक्लिप्स डिवीजन देन. ठीक है, इन ठीक है फॉर 616 30, इन दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, मतलब पर हम इधर कर लेते हैं अपना 32 को डिवाइड कर देते हैं, इनमें डिवीजन लेना है, यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर आर, वेयर आर जो हमारा वो बड़ा रहेगा जीरो से और इक्वल रहेगा और बी से छोटा रहेगा, तो आप डिवाइड कर लेते हैं 32 से 616. ठीक है, तो 32 टू सा, ठीक है 32 टू जो हो जाएगा 64, तो वन में आ ही जाएगा 32. यहाँ पर वन कैरी कर लेंगे, 11 में से हमारा टू गया, 9 बचेगा, 5 यहाँ रह गया, 5 में से 2 3 गया, तो हमारा बचा 2, यहाँ से 6 को कैरी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 296. तो 32 का टेबल पढ़ना है, तो 32 का ना पढ़ के 3 का पढ़ लेते हैं, यहाँ से 1 कम कर देते हैं, यहाँ से 1 कम, तो 3 9 27, तो लगभग ये 9 टाइम जा सकता है, देख लेते हैं, 9 2 18 का 8 1 2 3 या 9 3 27 27 9 1 28 जा सकता है. अब यहाँ कैरी कर देंगे 16 16 में से 8 तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ रह जाएगा 8 0 0. ठीक है, तो 616 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 32 into 19 प्लस 8, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पर 8 है रिमाइंडर. ठीक है, ठीक है, हियर रिमाइंडर 8, और जो कि हमारे नॉट इक्वल है 0 के, तो 0 के नॉट इक्वल है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा. ठीक है, प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा. अब हम नाउ वी अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा फॉर, अब हम किस किस के लिए लगाएंगे, इसके और इसके लिए. ठीक है, 32 and 8 के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन जाएगा डिवाइजर, और इससे पहले जो डिवाइजर था वो बनेगा डिवीजन, 8 4 32. ठीक है, 0 आगे रिमाइंडर क्रॉस लगा दिया, 0 0 रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 8 into 4 प्लस जी. ठीक है, ठीक है, अब ग्यारह पार्ट तो हो गया. ठीक है, सो रिमाइंडर बिकम 0, यहाँ पर सो ये देंगे रिमाइंडर बिकम 0, सो प्रोसेस स्टॉप, प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. और जब प्रोसेस स्टॉप होता है तो रिमाइंडर जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो करने वाला जो डिवाइजर था वो क्या था, वो था 8, है ना. तो यहाँ पर देयरफॉर 8 इज HCF ऑफ 616 and 32. तो इन दोनों का HCF कितना आया, 8 आया. तो यहाँ पर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बने हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास बने, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में. ये आपको 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो आपको कैसी लगी ये वीडियोस, आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप
देखते रहिए साइफर क्लासेस की वीडियो, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।